दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं हाउसफुल शो विद नितिन के इस एपिसोड में। जैसा कि हमारा थंबनेल में हमने दिखाया, रफी साहब आउट, महेंद्र कपूर साहब इन, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे रफी साहब को एक पर्टिकुलर कैंप ने अपने पूरे प्रोजेक्ट से आउट करके रख दिया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीधर कामत जी। कामत जी मूलतः एक रिटायर्ड बैंकर हैं और बहुत ही बेहतरीन ब्लॉगर हैं। तो आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं कामत साहब। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इस लोकप्रिय चैनल में, शो में आपने मुझे शामिल किया, शुक्रिया। तो कामत साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि महेंद्र कपूर साहब का सिने जगत में प्रवेश कैसे हुआ और उनकी जो हसरत थी, इच्छा थी रफी साहब के साथ गाने की, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। ऐसा नितिन जी, महेंद्र कपूर की जिस समय फिल्म संगीत के क्षेत्र में एंट्री हुई थी, कई बड़े बड़े नामी गिरामी गायक स्थापित थे और जिस मर्फी प्रतिभा को प्रतियोगिता से भी जीत के आए थे, उसमें जो परीक्षक थे, अनिल विश्वास, नौशाद, मदन मोहन, वसंत देसाई और सी रामचंद्र, इन बड़े बड़े दिग्गज संगीतकारों में से किसी ने भी उन्हें बहुत ज्यादा चांस नहीं थी। अब महेंद्र कपूर शुरू से रफी साहब के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी एक बहुत, वो रफी साहब को गुरु मानते थे और उनकी एक तमन्ना थी कि कभी रफी साहब के साथ उन्हें गाना गाने का मौका मिले जी। और वे इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद कभी ऐसा अवसर आए कि रफी साहब के साथ में कोई गाना गा सके। इस प्रकार से उनको मौका मिला पहली बार। हाँ, उनको मौका एक दुर्गा फिल्म का, जो हम जिस गीत की चर्चा कर रहे हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, जी जी जी, उसमें यह मौका आया था। लेकिन आते आते कुछ कारणों से ये मौका उनके हाथ से चिटक गया और ये जो गीत है, ये जैसे हम बोलते हैं सोलो ड्यूएट, वैसे ये ट्रिपलेट था, तीन कलाकार इसमें गाने वाले थे और तीन अलग अलग किरदारों पे तीन अलग अलग आवाजें थी, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि यह गाना तीन कलाकारों के बजाय एक सोलो होकर रह गया। जैसा कि हम देखते हैं संगम में, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, ये गाना है जी, तीन कलाकारों पे पिक्चराइज है, क्योंकि प्रेम त्रिकोण वाली सिचुएशन बनती है। या फिर दिल ने फिर याद किया का टाइटल सॉन्ग है, दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है, ये भी तीन अलग अलग कलाकार हैं और तीन गायक कलाकारों ने तीनों को आवाज दी है। कुछ इसी तरह की सिचुएशन घुबरा फिल्म के गाने में बन रही थी, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए कि उसके कारण वो गाना तीन कलाकारों पर ना फिल्माते हुए केवल एक गायक कलाकार पर फिल्माया गया। वैसे हमारे फिल्म संगीत में ऐसे कई गाने हैं जो बने किसी एक कलाकार पे थे तो दो को गाना पड़ा, या फिर दो कलाकारों पे बने थे, ड्यूएट था वो सोलो बन गए। जैसे उदाहरण में दो उदाहरण दूंगा, एक तो आरजू फिल्म का गीत है, अजी हमसे अजी रूट कर अब कहाँ जाइएगा, ये एक्चुअली ड्यूएट था, जैसे रफी और लता दोनों गाने वाले थे, लेकिन उन दोनों के बीच में अनबन चल रही थी, इसलिए इसे एक दो गाने को तोड़कर दो सोलो बनाए गए। तो लता ने गाया अजी रूट कर अब कहाँ जाइएगा और रफी ने कहा अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा।
इसी तरह पुरानी फिल्म उसमें एक गाना सीधे में सुलगते हैं अरमान, तराना फिल्म थी, ये गाना केवल तलत महमूद गाने वाले थे और इस गाने की प्रैक्टिस भी चल रही थी और इसके बाद लता का एक गाना था उसकी प्रैक्टिस होने वाली थी, तो लता ने इस गाने की कुछ लाइनें रिकॉर्डिंग रूम के बाहर से चक्कर लगाते हुए सुन ली, तो उन्होंने अनिल विश्वास से आग्रह किया कि ये गाना मुझे भी गाना, नहीं मानी तो इस गाने को प्रेम धवन से फिर से लिखवाया गया और इसके अंदर कुछ ऐसे उन्होंने बिठाए कि यह गाना सोलो से ड्यूएट बन गया। तो उसी तरह का आज का ये जो हमारा जिस विषय पर चर्चा हो रही है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ये गाना भी कुछ ऐसा ही है जो तीन गायक कलाकारों की बजाय केवल एक गायक कलाकार को गाना पड़ा। जी जी जी, आपने जैसा बताया गुमराह का आपने उल्लेख किया, गुमराह फिल्म मूलतः बेसिकली बी आर चोपड़ा कैंप की थी फिल्म और बी आर चोपड़ा साहब के प्रिय संगीतकार थे रवि जी, तो रवि जी का कैसे प्रवेश हुआ इस कैंप में? रवि को बी आर चोपड़ा फिल्म एक ही रास्ता से परिचित थे उनसे, क्योंकि एक ही रास्ता के जो संगीतकार थे हेमंत कुमार उनके ही सहायक हुआ करते थे। बिल्कुल, और वे काफी प्रभावित भी थे रवि से। अब एक ही रास्ता के बाद जैसे नया दौर बनी उनकी, नया दौर सुपर हिट रही, नया दौर में ओपी नैयर का संगीत था और ओपी नैयर और साहिर के मतभेद के कारण बी आर चोपड़ा के खेमे से ओपी नैयर बाहर हो गए, क्योंकि साहिर उनके एक अवश्य भी स्तंभ थे जिन्हें वे कभी भी छोड़ नहीं सकते थे। जी, तो जब अगली फिल्म आई धूम का फूल, उसमें उन्होंने बी आर चोपड़ा ने एन दत्ता को संगीतकार के रूप में लिया, जो कि पहले एच डी बर्मन के साथ हुआ करते थे, उसके बाद धर्मपुत्र है, साधना है, ये तीन लगातार फिल्में एन दत्ता के संगीत से सजी हुई बी आर चोपड़ा की बहुत अच्छी रही, सामाजिक उद्देश्य से बनी हुई फिल्में थी। पर इसके बाद जब गुमराह फिल्म लॉन्च हुई तब एन दत्ता की तबीयत खराब हो गई, तब बी आर चोपड़ा को रवि की याद आई और उन्होंने इस फिल्म में रवि को मौका दिया और रवि ने उस मौके को बिल्कुल पूरी तरह से बनाया और वे एक स्थापित संगीतकार के रूप में फिल्म संगीत के फलक पर छा गए। जी जी, और निश्चित रूप से रवि जी ने बेहतरीन गीत दिए बी आर चोपड़ा कैंप के लिए। रवि जी के जो प्रिय गायक थे वो थे रफी साहब, लेकिन चोपड़ा कैंप में रफी साहब की बजाय महेंद्र कपूर साहब को तरजीह दी गई और उनसे गीत गवाए गए, तो मैं ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक और मैं भी कि रफी साहब और चोपड़ा कैंप के संबंध कैसे रहे, चोपड़ा बंधुओं के विशेषकर क्या कारण रहा कि रफी साहब को अलग कर दिया गया, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल। ऐसा है, रफी साहब नया दौर तक तो चोपड़ा जी के साथ में थे जी, लेकिन कुछ बातों से उनके कुछ मतभेद ऐसे हुए कि बी आर चोपड़ा ने रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल एक एक गाने के लिए किया। जैसे कि हम देखते हैं उनकी अगली फिल्म थी गुमराह के बाद वक्त, वक्त का जो टाइटल जहां था वक्त से दिन और रात, एक गाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। धूल का फूल में भी सिर्फ एक गाने के लिए वो हिंदू बनेगा या मुसलमान बनेगा रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल किया। और महेंद्र कपूर की एंट्री इनके इस खेमे में कुछ इस तरह से हुई कि जब धूल का फूल फिल्म लॉन्च हुई तब इनके जो रिकॉर्डिस्ट थे कौशिक, वे बी आर चोपड़ा के छोटे भाई यश चोपड़ा जो कि उनके सहायक हुआ करते थे, उन्हें फेमस स्टूडियो में ले गए, बोले यार यश तेरे को एक आवाज सुनाता हूँ,
तो सुन इतने ऐसा लगता है कि ये रफी की आवाज से बहुत करीब है। समय सोनी महिवाल का जो गाना रिकॉर्ड हो रहा था, चांद छुपा और तारे है डूबे, रात गजब की आई, यश चोपड़ा भी ये आवाज सुनकर दंग रह गए। उन्हें लगा कि कहीं हम रफी साहब की आवाज तो नहीं सुन रहे हैं, और पता चला कि तो महेंद्र कपूर की आवाज थी। ये बात वी आर चोपड़ा को बताई, तो वी आर चोपड़ा ने सोचा कि नया लड़का है, इसे ही मौका देते हैं। और आप देखिए कि यहाँ से जो भूल का फूल से वी आर चोपड़ा का जो नाता महेंद्र कपूर से जुड़ा, वो आगे तक अंत तक चलता रहा। वी आर चोपड़ा ने जितनी फिल्में बनाई, सब में महेंद्र कपूर को एक से एक गाने दिए, और एक तरह से वी आर चोपड़ा वी शांताराम, और आगे चलकर जब रफी साहब से कुछ अनबन हुई तो ओपी नैयर और मनोज कुमार, ये चार महेंद्र कपूर के तारण हैं। अगर ये चार नहीं होते तो महेंद्र कपूर की आवाज का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, या दर्शकों तक श्रोताओं तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती। जी जी कामत साहब, आपने अभी जैसा बताया एक फिल्म गुमराह का जो गीत है, चलो एक बार फिर से अजनबी हम बन जाएं हम दोनों, ये तीन कैरेक्टर्स पे बेसिकली फिल्माया गया है, सुनील दत्त साहब, माला सिन्हा जी और अशोक कुमार। तो ये चूंकि तीन कैरेक्टर्स पे फिल्माया गया है, तो क्या ये तीन गायकों के लिए बनाया गया था ये गीत? इस गाने की जब सिचुएशन आई सामने, तो सबसे पहले ये तय हुआ कि तीनों कलाकार जो हैं, अशोक कुमार, सुनील दत्त और माला सिन्हा, तीनों के लिए तीन गायक कलाकार इस गीत को गाएंगे। तो यह तय हुआ कि सुनील दत्त के लिए महेंद्र कपूर गाएंगे, माला सिन्हा के लिए आशा भोसले गाएंगे, और अशोक कुमार के लिए रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब ये बात आगे बढ़ी तो ये पता चला कि रफी साहब और महेंद्र कपूर तो गुरु चेले हैं, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि ये दोनों कभी साथ में नहीं गाएंगे, क्योंकि रफी साहब नहीं चाहते थे कि महेंद्र कपूर और उनका गाना साथ में हो तो लोग उनकी आवाज की तुलना करें। तो उन्होंने इशारों इशारों में महेंद्र कपूर से ये कह दिया था कि हम दोनों कभी साथ में नहीं गाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। जी तो ये बात जब सामने आई तब ये मुश्किल आन पड़ी कि अब इसे तीन कौन कलाकार गाए। तो ये वाली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इस फिल्म के जो एसोसिएट डायरेक्टर थे यश चोपड़ा, वो सामने आए। उन्होंने जो फिल्म के संवाद लेखक थे अख्तर उर रहमान, अख्तर उर ईमान, उनके साथ बैठकर चर्चा की, और काफी लंबी बातचीत के बाद ये तय किया गया कि किसी रफी साहब की जगह किसी और गायक कलाकार की आवाज लेने के बजाय इसे केवल एक ही गायक की आवाज में रिकॉर्ड किया जाए, और उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी बनाई जाए कुछ फोटोग्राफी से कि एक ही गायक तीनों पात्रों के भाव व्यक्त कर सके। और आगे चलकर ऐसा हुआ, यश चोपड़ा और फोटोग्राफर जो सिनेमाटोग्राफर थे महेंद्र मल्होत्रा, ये उसके सिनेमाटोग्राफर थे जी, उन दोनों ने मिलकर चर्चा करके और एक पियानो का इस्तेमाल किया। रवि साहब ने जो धुन बनाई वो एक पियानो पर बनाई, और उस पियानो को इन तीनों पात्रों के बीच में रखकर, मतलब ये बीच में पियानो है और तीनों पात्र उसके इर्द गिर्द खड़े हैं, और कैमरे के कोण को ऐसा लिया गया है कि वो हर अंतरा जो अलग अलग गायक गाने वाले थे वो अंतरा उसमें एक ही गायक के आवाज में व्यक्त हो। जी, तरह से ये तीन आवाजों को एक ही आवाज महेंद्र कपूर के स्वर में रिकॉर्ड किया गया।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपने बताया है, और आमतौर पे कोई गौर नहीं कर पाया कि ये तीन गायक गाने वाले थे और कैसे यश चोपड़ा जी के इनोवेटिव आइडिया से इसको फिल्माया गया और एक ही गायक ने तीनों अलग अलग पात्रों के एक्सप्रेशन उसमें उड़ेल दिए। तो बड़ा एक ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपने बताया है, और मैं ये जानना चाहूंगा क्या साहिर साहब ने भी तीन कैरेक्टर्स या तीन गायकों को ध्यान में रखकर ये गीत लिखा था? हाँ जी, ये दरअसल क्या है कि ये जो हम चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम लोग, इस गीत का जन्म जो है वो एक इसी के एक अंतरे से हुआ है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे ही खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, छोड़ना। और ये एक नज्म थी जो शायर ने अमृता प्रीतम के लिए लिख कर रखी थी जी। अब इसमें आप देखेंगे कि जो तीन कलाकार हैं, सुनील दत्त, माला सिन्हा और अशोक कुमार, इन तीनों पर केंद्रित ये गीत है। लेकिन अगर इसके पार्श्व में हम जाएं तो ऐसा लगता है कि ये गीत जो है शाहिर, अमृता प्रीतम और इमरोज, इन तीनों पर बना हुआ, और उसी अंतरिक्ष के उन्हीं लाइनों से प्रेरित होकर शाहिर ने इस सिचुएशन पर ये गीत लिखा। अब अपन थोड़ा सा गीत की ओर आगे बढ़े और कैसे ये गीत तीन गायक कलाकारों के बजाय एक पर फिल्माया गया इस पर चर्चा करें, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सुनील दत्त इस गीत को चालू करते हैं जी। वो तो ये कहते हैं कि हम फिर से अजनबी बन जाए, मतलब तीनों कलाकार एक दूसरे को फिर से अपने अपने रिश्तों को फिर से परिभाषित करना चाहते हैं कि वो एक दूसरे से अपरिचित है, ताकि मन में कोई दुरावा ना हो, कोई क्लेश ना हो, किसी तरह का कोई पूर्वाग्रह न हो, बिल्कुल एक दूसरे से पूरे अपरिचित और फिर नए सिरे से अपने संबंधों की परिभाषा तय करें। अब पहला अंतर जो आता है, आप ध्यान से अगर देखें उसमें, ना मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, ना तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, ना मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। ये पूरी लाइनें जो है ये माला सिन्हा की भावना है, कि माला सिन्हा को डर है कि उसका पति है वकील और वो नहीं चाहती कि उसका प्रेमी उसके सामने बैठकर कुछ इस तरह का कोई इशारा करे कि उसके पति को ये समझ में आ जाए कि ये दोनों एक दूसरे तो पहले से जानते हैं और ये दोनों एक दूसरे के प्रेमी रह चुके हैं, क्योंकि इससे उसकी बदनामी होगी। अब इसके बाद थोड़ा सा सीन पलटता है और अच्छा, इसको गाते समय बीच बीच में माला सिन्हा पर कैमरा फोकस है और बीच बीच में चूंकि सुनील दत्त गा रहे हैं इसलिए उनके ऊपर भी कैमरा आ जाता है जी। अब उसके बाद में दूसरा अंतर जो है, तुम्हें भी कोई इंजन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जल्दे पर है, मेरे हमरा भी सवाइया है मेरे माजी की जी, तुम्हारे साथ भी बीती हुई रातों के साथ। यहाँ पर खुद सुनील दत्त की भावना है, उन्हें मालूम है कि इनकी तो शादी हो चुकी है, लेकिन वो बार बार पुराने प्रेम को जगाने का प्रयास कर रहा है। थोड़ा सा ग्रे शेड लिए हुए कैरेक्टर है उनका, और ये कहना चाहिए कि उस दौर की ये थोड़ी सी बोल्ड फिल्म थी और बड़ा बोल्ड विषय था कि एक प्रेमी अपनी भूतपूर्व प्रेमिका को अपने पति से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उनका पूरा फोकस क्या है कि किसी तरह से वो अपने खोए हुए प्यार को फिर से हासिल करना चाह रहे हैं। इन दोनों अंतरों के बाद बीच में अशोक कुमार को बताया जाता है कि वो अपने शिकार को, अपने पाइप को सुलगा रहे हैं, बीच बीच में उनकी कुटिल मुस्कान
उभर कर आती है और फिल्म के दर्शकों को ये नहीं मालूम है कि अशोक कुमार इन सारी बातों से परिचित है, उन्हें मालूम है कि उनकी पत्नी का पूर्व इतिहास क्या रहा हुआ है। तो दर्शक ये समझते हैं कि अशोक कुमार मतलब उनकी पूरी सहानुभूति अशोक कुमार के साथ होती है। अब इसलिए आप देखें कि तीनों जो अंतर हैं इस गीत के, तीनों अंतरों की चाल अलग अलग है। तीसरे अंतर में थोड़ी आक्रामक, थोड़ी सी सूर्य चढ़ते हैं और थोड़ा आक्रामक हो जाते हैं। तारूप रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, तालूप बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा। और फिर उसके बाद जो साहिर साहब की जो वो लाइनें हैं जो उन्होंने अमृता प्रीतम के लिए लिखी थी, वो अफसाना जिसे अंजाम तक जाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोह देकर छोड़ना अच्छा। तो इस अंतरे में अशोक कुमार की भावनाएं हैं जो इन दोनों को थोड़ी सी सीख दे रहे हैं या अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दे रहे हैं कि जो हो गया उसे भूल जाओ, वो पुरानी बात है, अब यहाँ संबंधों की नई परिभाषा गढ़ी गई है, अब उसमें अपने समाज में इस तरह की हरकत शोभा नहीं देती, तो अब ये पुरानी बात छोड़ दो और अपने रिश्तों को, उस पुराने रिश्तों को तिलांजलि देकर अपने अपने मार्ग पर चलो जी। कुल मिलाकर ये इस फिल्म की जो शुरुआत होती है वो रामायण के प्रसंग से होती है कि किस तरह से राम भगवान को वो तीर लगा था और लक्ष्मण एक लक्ष्मण रेखा खींचकर सीता जी को कुटिया में छोड़कर गए थे कि इस लक्ष्मण रेखा को मत लाना, और सीता जी ने वही गलती की। तो इस फिल्म में भी बी आर चोपड़ा ने यही दिखाने की कोशिश की है कि एक विवाहित भारतीय स्त्री की लक्ष्मण रेखा जो है वो तय है और उसे उस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघना चाहिए, जो कि फिल्म की नायिका ने माला सिन्हा ने कोशिश की, लेकिन अंत में उन्हें समझ आ जाती है कि अब उन्हें अपने पति के साथ ही रहना है और वो पुराने अपने संबंधों को भूल जाती है और सुनील दत्त को ना कह देती जी। इस तरह से ये तीन जो अलग अलग गायक कलाकार इस गीत को गाने वाले थे, उसे यश चोपड़ा ने और फिल्म के सिनेमेटोग्राफर ने कैमरे के कमाल से, निर्देशन की जादू से ऐसा प्रस्तुत किया कि कोई इस चीज को पकड़ ही नहीं सकता कि ये गाना जो है वो तीन कलाकारों का था जी। पर इसमें हमें दाद देना होगी गायक की भी कि महेंद्र कपूर साहब ने तीन गायकों के एक्सप्रेशन अपनी गायकी में उड़ेल दिए, ये बड़ा अपने आप में एक जटिल और दुष्कर कार्य था जिसे उन्होंने बड़ी सहजता से किया है। और साथ ही जो कलाकार हैं ऑफ कोर्स सुनील दत्त साहब, माला सिन्हा जी और अशोक कुमार, तीनों मंझे हुए कलाकार हैं, उन्होंने भी बेहतरीन इसमें अदायगी की है इस गीत पर। तो ये आपने जो ये बताया, जो एस्पेक्ट, ये जो पहलू बताया, ये अपने आप में अनसुना था और मेरे को लगता है कि ज्यादातर लोग इस बात पर गौर नहीं कर पाए जिसका आज आपने उल्लेख किया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन आपने बातें बताई हमें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गीत से संबंधित जो जानकारी आपने दी है, मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी दर्शक बहुत पसंद करेंगे और आगे भी आपने चूंकि अनगिनत ब्लॉग्स लिखे हैं अलग अलग गीतों पे अपनी साहित्यिक शैली में, तो किसी नए गीत के साथ, नए विषय के साथ निश्चित रूप से हम आपको फिर से आमंत्रित करेंगे। आपको बहुत धन्यवाद कामत साहब कि आप आए आज और आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी। आपको भी और सभी दर्शकों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।